हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरला अमिता। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू पापड़ी और बेसन पापड़ी। ये स्नैक को आप फेस्टिवल में बनाएं या फिर सिंपली आप इसको चाय के साथ एंजॉय करें, या फिर अगर आप चाट के शौकीन हैं तो इसको पापड़ी चाट बना के भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत क्रिस्प और टेस्टी होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मैंने एक आलू ले लिया है, उसको रफली चॉप करके उसको ग्राइंड कर लिया है और उसकी एक प्यूरी बना ली है। अब एक ज़रूरी बात, आपकी अगर आलू की जो प्यूरी है वो रेडी हो जाए तो उसके बाद तुरंत आप डो बनाएं पापड़ी का, उसे रखें ना, नहीं तो वो काला पड़ जाएगा। और अगर किसी वजह से आप तुरंत बना नहीं पाते तो उसे फ्रिज में रख दें। साथ ही साथ हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तो सबसे पहले एक बाउल में आलू की प्यूरी डाली है, फिर 2 कप मैदा डाल दिया है, उसके बाद कड़ी पत्ता डाला है, कड़ी पत्ता डालने के बाद अजवाइन डाला है, उसको आप हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालें, फिर ज़ीरा डाला है, फिर उसके बाद तिल डाली है। तिल डालने के बाद हमने डाला है काली मिर्च का पाउडर। कुकिंग ऑयल ले लूँगी 2 टेबल स्पून और उसको डाल दूँगी, साथ ही साथ नमक डालूँगी या आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से नीट करूँगी। मैं इसको ऑयल के सहारे नीट करूँगी, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। और साथ ही साथ हमने जो आलू की प्यूरी यूज़ की थी तो वो इसको मदद करेगी नीट करने में। तो हमारा डो रेडी है, उसको मैंने रेस्ट करने रख दिया था 15 मिनट के लिए। तो हमारा डो रेडी है, रेस्ट हो चुका है ये। अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। मैंने थ्रेड के मदद से इक्वल पेड़े काटे हैं, आप चाहें तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इक्वली साइज़ के पेड़े आप काट सकते हैं। अब पेड़े हमारे इक्वली बन चुके हैं, अब हम इनको बेलेंगे। तो बेलना, अगर जिन लोगों को तकलीफ होती है वो क्या कर सकते हैं, ऐसे एक पॉलीथीन शीट ले सकते हैं और पेड़े को रख के उसमें ऑयल लगा के उसको प्रेस करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए मदद रहेगी जो बिगनर्स हैं, जिनको इक्वली पापड़ी या बेलना नहीं आता है। तो वो क्या करेंगे, पॉलीथीन में पेड़े को तेल लगा के रखेंगे और प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं वो गोल आकार में बन जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग बेल सकते हैं वो इस तरीके से सारे पेड़े को पूरी के आकार में बेल लें। तो हमारी पापड़ी बेल के रेडी है। अब मैं कढ़ाई में तेल ले लूँगी। तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो मैं एक एक करके उसमें आलू पापड़ी डालूँगी। तो ये हमारी जो आलू पापड़ी की पूरियाँ हैं ये फ्राई कर रहे हैं हम। ये फ्राई हम जब तक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देखिए कितनी क्रिस्प दिख रही है, एकदम खस्ता, और कितना अच्छा कलर आया है उन पर, गोल्डन ब्राउन सा। तो हमारी आलू पापड़ी रेडी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बेसन की पापड़ी बनाना। 2 कप बेसन ले लूँगी दरदरा पिसा हुआ, उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डालूँगी, फिर अजवाइन डालूँगी, अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालूँगी, उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दूँगी, तिल डालूँगी, तिल डालने के बाद नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, फिर हींग डालूँगी, थोड़ा सा हींग डालने के बाद हल्दी डालूंगी और सारे मसालों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऑयल करके इसे मिक्स करूँगी और ऑयल की सहायता से मैं इसको नीड करूँगी। तो आप देखिए ये बंधने लगा है, अभी हमने इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ ऑयल के सहायता से ये बंधने लगा है। अब हम धीरे धीरे 1-1 टीस्पून करके पानी डालेंगे और इसको अच्छे से नीट कर लेंगे जब तक कि हमारा डो प्रिपेयर ना हो जाए। तो आप देखिए मैं पानी बीच बीच में 1-1 टीस्पून डालते जा रही हूँ। तो एकदम से पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक डो प्रिपेयर कर लें। तो आपको जितना ज़रूरत हो पानी उतना डालते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके डालें और हमको हमारा जो डो है वो प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो देखिए डो प्रिपेयर हो जाएगा। डो को आप मीडियम कंसिस्टेंसी का प्रिपेयर कर लें। अब डो को मैं 15 मिनट रेस्ट करने रख दूंगी। अब मैं बेसन की पापड़ी के पेड़े तैयार कर लूंगी और इस तरीके की एक पॉलीथिन लेके अपनी जो पेड़े को ऑयल लगा के पॉलीथिन के बीच में रख के एक इस तरीके की प्लेट को लेके
उसे प्रेस करूँगी। और आप देखिए जो पापड़ी है वो एकदम गोल आकार में बनके रेडी है। तो जो लोग बिगनर्स हैं जिनको बेलने में तकलीफ़ होती है वो इस मेथड को फॉलो करें और देखिए आपकी पापड़ी बनके एकदम रेडी हो जाएगी, आपको बेलने का झंझट नहीं रहेगा। अब हमारे जो प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरीके से अपने पेड़ों को पापड़ी या फिर पूरी के शेप में बेल लें। तो हमारी इस प्रकार से आप सभी पापड़ियों को बेल के रख लें और फिर एक कढ़ाई में तेल ले लें। तेल जब गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे करके उसमें अपनी बेसन की पापड़ियों को फ्राई होने डाल दें। आप इनको मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई होने डाल दें। याद रखें लो भी करना नहीं है गैस और हाई भी नहीं करना है गैस, नहीं तो जल जाएगी या फिर तेल पी लेगी। तो सुनहरी होने तक इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। तो इस त्यौहार आप ये दोनों पापड़ी की रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।